पटना में मजदूरों पर कथित हमले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान, बिहार सरकार की एक टीम करेगी तमिलनाडु का दौरा। निगरानी विभाग ने की बड़ी कार्यवाही, अंचलाधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा। सेना भर्ती प्रक्रिया में बदलाव, पहले होगी ऑनलाइन लिखित परीक्षा, 16 फरवरी से 15 मार्च तक होगा रजिस्ट्रेशन। आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट, चौक चौराहे पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। चपेट में आने से किसान की हुई मौत, पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों पर कथित हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा कि डीएमके शासित राज्य में प्रवासी मजदूरों पर कथित हमलों के दावे के मद्देनजर राज्य सरकार की एक टीम तमिलनाडु का दौरा करने और स्थिति का जायजा लेने के लिए तैयार है, और साथ ही तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों पर कथित हमलों की रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर कहा कि बिहार सरकार की एक टीम दौरा करेगी और स्थिति का जायजा लेगी। बता दें, इस पूरे मामले में सोशल मीडिया में वायरल भ्रामक वीडियो फैलाने के लिए साइबर अपराध पीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। खबर बाढ़ से है, जहां के गोबार गांव में बच्चों के मुंडन संस्कार के दौरान छत पर लगे रेलिंग के धराशायी हो जाने से उसके मलबे में दबकर बाजा बजा रहे तीन कलाकार जख्मी हो गए और इस दौरान एक कलाकार की मौत हो गई, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं दोनों घायलों को आनंद फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। गांव में हुआ कि बाजा एक राम प्रवेश राम के हाथ मुड़ना हो रहा था, उसी क्रम में ये लोग बाजा बजाने के लिए गए। बाजा बजाने के लिए गए उसी दरमियान में रास्ते से गुजर रहे थे बाजा बजाने के क्रम में, तो अचानक मतलब कि एक छज्जी गिर गई। किसी दूसरे के मकान का उन्हीं के घर का बड़े भाई के घर का छज्जी गिर गया। छज्जी गिरने के क्रम में तीन खबर कैमूर से है, जहां भभुआ थाना क्षेत्र के गुराईपुर गांव में संदिग्ध अवस्था में एक विवाहिता की मौत हो गई। वहीं मौत के बाद मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या के आरोप लगाए। वहीं इस मामले में मृतका के परिजनों ने पुलिस से शिकायत कर मामले में छानबीन कर आरोपी को सजा दिलाने की मांग की है। कारण यह है कि हम लोग के बहन को ग्राम गुराईपुर के गोपी बिंद और मुसई बिंद और लालती देवी और उसके ननद सीता देवी और उसके देवर मनोज कुमार, ये सब लोग मिलकर हमारे बहन को गला दाब कर और उसको उसके साथ हत्या की है। मधुबनी जिले के रहिका प्रखंड मुख्यालय स्थित विद्यापति मैदान में मैथिल समाज रहिका ने त्रिदिवसीय मिथिला विभूति स्मृति पर्व स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ किया। बता दें, इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने समिति के सचिव प्रोफेसर शीतलाम्बर झा के साथ मौके पर उपस्थित अतिथियों के द्वारा विद्यापति मूर्ति पर माल्यार्पण किया। हमारे मधुबनी जिले के विभिन्न हिस्सों से आए हुए सभी गण, सम्मानित समाज सेवीगण, नागरिक बंधुओं, मीडिया के भाइयों, बहुत ही खुशी की बात है। जब से यहाँ मेरा सदस्यापन हुआ है और हम लोग मिथिला के बारे में पहले भी काफ़ी सुनते रहे हैं कि किस तरीके की ये धरती रही है, कला की धरती रही है, संस्कृति की धरती रही है, और यहाँ पे हर व्यक्ति में, यहाँ की हवा में ही बुद्धिमत्ता भरी हुई है। हम लोग कहते हैं कि मिथिला के धरती के लोग बहुत ही इंटेलेक्चुअली बहुत हाई होते हैं, मतलब
जो बुद्धिमानी होती है वो बहुत ज़्यादा रहती है, और वही न केवल आर्ट के क्षेत्र में बल्कि कहीं भी किसी भी फील्ड में जाइएगा, बाहर भी कितना भी चाहे इस देश के दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में। खबर मसौड़ी से, जहां होली पर्व को देखते हुए थानाध्यक्ष मसौड़ी संजय कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई, साथ ही रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी। बैठक में निर्णय लिया गया कि पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से आपसी मतभेद एवं जाति धर्म को भूलकर मनाएं, और साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया कि डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा एवं हुड़दंग करने वालों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। बता दें, इस बैठक में मुख्य रूप से एसडीएम अनिल कुमार सिन्हा और सहायक पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य मौजूद रहे। थाना प्रभारी सभी लोग से लिए हैं, पूर्व में जो हम लोग कर रहा है कि मसौढ़ी बाजार में कम से कम 12 से 14 जगह होलिका दहन होते रहा है, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी होलिका दहन होता है। हम लोग लगभग 40 से 50 जगह जो है मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन रहेगा, इसके अलावा सभी लोग हरमनशील भी रहेंगे ताकि कहीं कोई अप्रिय घटना। डीजे बजाने के लिए निर्देश दिया गया है कि जो भी डीजे बजाएंगे होली में अनुमति ले के बजाएंगे, हम कोई भी ऐसा गाना नहीं बजाएंगे। गायघाट प्रखंड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन में अग्निकांड में अपना आशियाना गंवा चुके अग्नि पीड़ितों के बीच मुआवजा राशि का चेक वितरण किया गया, और इस मौके पर प्रखंड प्रमुख श्रवण कुमार सिंह, आरओ अशोक कुमार और अंचलाधिकारी राघवेंद्र कुमार राघवन ने 30 अग्नि पीड़ितों के बीच 2,94,000 रुपए का चेक वितरण किया। वहीं इस दौरान अंचलाधिकारी ने बताया कि क्षेत्र के विभिन्न गाँव में हुए आग लगी की घटना में 30 लोगों का घर जल गया था, और साथ ही उन्होंने बताया कि प्रत्येक परिवार को आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा दी जाने वाली रुपए का चेक प्रदान किया गया है। बता दें, इस मौके पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी अजीत कुमार समेत सभी राजस्व कर्मचारी मौजूद रहे। जो भी अग्निकांड हुए उसमें जो भी यहाँ से मिलता है अंचल से, उसके लिए आज किसान भवन में उसके लिए बैठक बुलाई गई थी और चेक का वितरण किया गया। जो भी लाभुक थे 30 लाभुक थे, जिसमें 28 लाभुक उपस्थित हुए और 28 लाभुकों को हम लोग चेक करते हैं। सिर्फ इसमें अग्नि पीड़ित भी हैं क्या? अग्नि पीड़ित ही हैं खाली सब इसमें? हाँ, इसमें सारे अग्नि पीड़ित हैं, इसमें सारे अग्नि पीड़ित। मुजफ्फरपुर में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्यवाही की और टीम ने मोतीपुर अंचलाधिकारी अरविंद कुमार अजीत को रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। बता दें, टीम ने अंचलाधिकारी को उनके चैम्बर में ही रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। वहीं जानकारी के अनुसार पीड़ित से पेंशन के लिए एनओसी व पेंशन फॉर्म पर साइन करने के एवज में अंचलाधिकारी अरविंद कुमार अजीत ने 9,000 रुपए की मांग की थी, जिसके बाद निगरानी विभाग द्वारा उक्त शिकायत के आलोक में जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। श्री अजीत कुमार से 9,000 रुपए रिश्वत की राशि की मांग की थी। मैटर ये है कि अजीत कुमार के पिता स्वर्गीय राम लखन राय वो मोतीपुर में ही चौकीदार के पोस्ट पे थे और सेवा काल में ही उनका मृत्यु हो गया था। इसी के एवज में उनकी माता श्रीमती सुदामा देवी के नाम से पेंशन मिलना था, उसी के एवज में कुछ पेपर्स बनना था और उसी के लिए एनओसी और अंचलाधिकारी से पेंशन फॉर्म उसको सिग्नेचर करने के लिए उन्होंने रिश्वत की मांग की थी। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां कर्नल बॉबी जसरोटिया सेनल मेडल ने मीडिया को संबोधित किया और सेना भर्ती चुनौती के विषय में जानकारी दी और बताया कि शुक्रवार को ही आर्मी भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। बता दें, पहले चरण में ऑनलाइन परीक्षा होगी और दूसरे चरण में फिजिकल और मेडिकल होगा। वहीं रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपए है, 250 रुपए भारतीय सेना देगी और 250 रुपए उम्मीदवारों को देने होंगे। स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज आप सबको यहाँ बुलाने का जो हमारा लक्ष्य था वो सेना भर्ती कार्यालय में हुए कुछ एक परिवर्तन के बारे में आप लोगों को उसे अवगत करवाना था। जैसा कि आप जानते हैं, 16 फरवरी 2023 से लेकर 16 मार्च 2023 तक हमारे कार्यालय द्वारा बच्चों के सेना भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिफिकेशन अपलोड कर दी गई है, जिसमें कि हमारे क्षेत्र के 8 जिलों
रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की ओर। नालंदा में होली और शबे बारात को लेकर बिहार थाना में शांति समिति की बैठक बुलाई गई। वहीं इस मौके पर सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नोवानी ने बताया कि होलिका का दहन और शबे बारात का एक ही दिन त्योहार है और इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। सभी शांति समिति के जो सम्मानित सदस्य हैं उन लोगों के साथ, थाना अध्यक्ष बिहार BDO साहब हैं, अन्य जो पदाधिकारी हैं उनके साथ हम लोग ये शांति समिति के बैठक का आयोजन किया है, जिसमें आगामी जो त्यौहार है होली और शबे बारात वो सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्वक संपन्न हो, उसी दृष्टिकोण से हम लोग परिचर्चाएँ कर रहे हैं। इस आयोजन में चूँकि जिस दिन अगजा है उसी रात में शबे बारात का भी त्यौहार है, दोनों त्यौहार एक साथ रहने और एक साथ संपन्न होगा, विशेष प्रतिनियुक्ति हम लोगों की रहेगी। नवादा से है, जहां जिले के उग्रवाद प्रभावित गोविंदपुर प्रखंड क्षेत्र के हर नारायणपुर गांव में सांप के साथ खेल रहे युवक को सांप ने काट लिया, जिसको आनंद फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। खबर नवादा से है, जहां जिले के रजौली थाना क्षेत्र के बढ़हर गांव में युवती के साथ छेड़खानी को लेकर जमकर विवाद हो गया और विवाद के दौरान जमकर गोली चली। बता दें गोली लगने से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पर जहाँ प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने घायल को नवादा के लिए रेफर कर दिया। 20-30 को आगे घेर पीछा कर रहा था, उसको मारा, माता फोड़ा, ये उसका नाम सोनू है और अजीत नाम उसका है, फोड़ा माता है। उसके बाद में 3 लोग गांव में आया यहाँ पे, तो भैया मारो मारो, तो उन लोग मतलब गांव की तरफ जाने लगा। मैंने समझाया कि क्यों जाने, मत जाओ, वो हम कल उस घर वाले से मतलब बोल लूँगा क्या बात होगा, हम कल समझेंगे। तो लड़के लोग दौड़ने लगा उस गाँव की तरफ, तो वहाँ के जो आदमी था 50-60 और इकट्ठा हो गया, वो फायरिंग कर दिया। उस टाइम पुलिस को फोन भी किया था, सर 200 आदमी आ रहे हैं, बड़ा मारने के लिए आ रहा है, तो फायरिंग मैंने मैंने किया था, मतलब फायरिंग उसने किया था। कितने राउंड फायरिंग हुआ है? एक राउंड हुआ है। खबर सहरसा से, जहां पतरघट ओपी क्षेत्र के गोलमा पूर्वी पंचायत वार्ड नंबर 12 में मवेशी को चारा खिलाने के दौरान एलईडी तार की चपेट में आने से किसान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद घायल को बाद में आनन फानन में किसान को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पतरघट लाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के बारे में क्या कुछ जानकारी मिली है, कैसे मिली? इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगा है, हम
क्या नाम कौन हुए मृतक का? आप मृतक का कौन हुआ पिताजी? क्या नाम हुआ? क्या कुछ जानकारी है? कैसे मृत्यु हुई? मुझे पता चला मेरे पड़ोसी ही हैं और भतीजा लगे गए वहाँ, तो एलटी तार है ना, उसी तार के नीचा में जो हट्टी वाला तार था उसे मिले था, मवेशी का चारा खिला रहा था, उसी के चपेट में आने से इनका वहाँ से जब तक पता चला जो लाइन लग गया तो कोई हॉस्पिटल लाएगा, हॉस्पिटल लाने के बाद यहाँ से डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार। नालंदा जिला अंतर्गत रहुई प्रखंड कार्यालय के परागढ़ में स्थित प्रमुख कार्यालय में उप प्रमुख की अध्यक्षता में वार्ड सदस्यों के साथ बैठक की गई और इस बैठक में बांद्रे इमामगंज मई फरीदाबाद पंचायत के सभी वार्ड सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान उप प्रमुख राजेश रंजन ने बताया कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा सभी कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई है, जिसमें किसान संगठन, बेरोजगारी एवं अन्य योजनाओं को कैसे क्रियान्वयन किया जाए, इन सभी विषयों पर वार्ड के बीच चर्चा की गई। बाद हम लोग सोचे कि देखिए क्यों नहीं वार्ड सदस्यों लोगों को हम अपने उनको सारा चीज योजनाओं के बारे में बताएं, क्योंकि वार्ड जो लोग होते हैं वो निचले कड़ी होते हैं और उनके अनुसार ही सारा सिस्टम को किया जाता है। तो हम वार्ड लोगों को इसलिए बुलाए कि जितने भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की योजनाएं कल्याणकारी योजनाएं चल रही है हम उनको उनको बताने के काम कर रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं, उनको बता सिखा रहे हैं कि भाई आप कैसे। खबर नालंदा से है, जहां आगामी त्योहार होली और शबे बारात को लेकर शांति समिति की बैठक की गई और बैठक में पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने भाग लिया। बता दें इस दौरान बीडीओ अरविंद कुमार ने लोगों से होली व शबे बारात पर्व आपसी भाईचारगी व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को कहा। शबे बारात है, इन सब चीजों को लेकर हम लोग ग्राम स्तर पर पुलिस अधीक्षक की द्वारा निर्देशित किया गया था ऐसा कि सभी जगह किया जाए जिला पदाधिकारी द्वारा, तो हम लोग गाँव गाँव जा करके इस बैठक कर रहे हैं ताकि लोगों में आपसी सौहार्द की लगातार मतलब बढ़ोतरी होती रहे और पर्व त्यौहार शांतिपूर्ण रूप से मनाया जा सके। कहाँ बैठक किया गया सर? ये मुस्तकिमपुर है ना, कमसपुर। कैसे हम लोग भाई भाई मिलकर हम लोग बना ले, हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे थाना इंचार्ज थे, वीडियो साहब थे, हमारे पंचायत समिति हमारे उप मुखिया जूनियर हेना साहब थे और हमारे साथ सभी साथी यहाँ पे खड़े हैं, दीगर लोग हैं जो हमारे कार्यकर्ता हैं। किस तरीके से मनाने के लिए अपील किया गया है? शांति से और सद्भावना से मनाने के लिए बताया गया है। बस हम लोग को ये सलाह दिया गया है। खबर मधुबनी से है, जहां पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए जानकारी दिया कि ग्राम सिसवा बरही थाना पंडोल के निवासी सूर्य रेखा देवी द्वारा 23 फरवरी को इंडियन बैंक सिसवा बरही से 1,00,000 रुपए की निकासी कर अपने घर लौट रही थी कि रास्ते में दो अज्ञात अपराधी पैसों से भरा झोली छीन कर फरार हो गए, जिसके बाद मामले की सूचना मिलते ही पुलिस छानबीन में जुटी और मामले का खुलासा किया। घोड़ा गैंग के जो बाइक से सवार दो लोग थे उन्होंने पीछे से आके उनका जो बैग है वो छीन लिया और छीन कर फरार हो गए थे। उसमें लगातार हमारी टीम काम कर रही थी। घोड़ा गैंग जो है लगातार इसका मोडस एक ही रहता है कि वो पहले बैंक में जाके रेकी करता है और वैसे लोगों को देखता है जो कि बहुत ही ईजी वे तरीके से जो पैसा निकालते हैं उसको लेकर जाते हैं, वो पीछे से आके और छीन कर भाग जाता है, उनका यही मोडस रहा है। इसमें हम लोगों ने केस किया था, उसके बाद लगातार इस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे थे और कल पता लगा था कि हम लोगों को सूचना मिली थी कि वही जो ग्रुप है। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। We'll be right back.
देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।